सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल फ्रूट चाट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि वेजिटेबल फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक बाउल मैंने पपीता ले लिया है कटा हुआ, एक बाउल मैंने खरबूजा लिया है कटा हुआ, एक बाउल खीरा लिया है कटा हुआ, नींबू का रस है एक नींबू का रस है ये, थोड़ा सा अनारदाना लिया है मैंने, दो बॉयल आलू लिए हैं जिसको मैंने कट कर लिए हैं चौकोर पीस में, एक टमाटर को कट कर लिया है इसके बीज अलग करके, एक पका हुआ केला लिया है इसको भी कट कर लिया है, आधा मैंने गाजर लिया है इसको कट कर लिया है, एक सेब लिया है इसको भी कट कर लिया है मैंने चौकोर पीस में, एक चम्मच ऑयल लिया, दो चम्मच शुगर पाउडर है, एक छोटा चम्मच चाट मसाला है, एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है। सबसे पहले हमें आलू के पीसेस को फ्राई करना है। गैस ऑन कर लेंगे, पैन रखेंगे गरम होने के लिए। पैन गरम हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे इसमें। आलू डाल लेंगे, तो इसको ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है अच्छे से। आलू अच्छे से तल चुका है, इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाएगा। एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, इसमें सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट रख लेंगे। मिक्स वेजिटेबल फ्रूट चाट काफ़ी टेस्टी भी होता है, बहुत हेल्दी होता है, काफ़ी न्यूट्रिशन होता है इसमें, क्योंकि इसमें कई तरह के फ्रूट्स भी मिक्स हैं और वेजिटेबल्स भी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू भी इसमें डाल लेंगे, अनारदाना, चाट मसाला, शुगर पाउडर, भुना हुआ जीरा मसाला, जीरा पाउडर, नींबू का रस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। ये हमारा बहुत ही हेल्दी मिक्स वेजिटेबल फ्रूट चाट बनकर रेडी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।